आदर जय जिनेन्द्र, मेरा नाम निश्चा पगारिया है। मैं 11 साल की हूँ। मैं सीवुर नवी मुंबई में रहती हूँ। तो आज हम बनाएंगे वेज फ्लावर्स। तो आइए उसकी सामग्री देखते हैं। तो आइए, अब ये इसमें सबसे पहले चाहिए कॉर्न, पनीर, टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रेड, टमाटो सॉस, बटर और हरी मिर्ची, हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्ची पाउडर, सैंडविच मसाला, ओरिगैनो, भुना जीरा पाउडर और चीज। तो अब हम बनाएंगे स्टफिंग। उसके लिए सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा कॉर्न, थोड़ा सा टमाटर, शिमला मिर्च और थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीज, इसमें डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची, ओरिगानो, भुना जीरा पाउडर, सैंडविच मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया। अब हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको साइड में रख देंगे और अब हम बनाएंगे अपना सॉस। इसमें हम डालेंगे बटर, टोमेटो सॉस, और चीज। और हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे। रुको, इसमें भी हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा और ओरिगैनो, फिर वापस मिलाएंगे। अब हम हमारी ब्रेड को फ्लावर्स की शेप में कट करेंगे। एक बड़ा फ्लावर कट करेंगे और एक छोटा फ्लावर कट करेंगे। इसको साइड में रखेंगे, फिर छोटे वाले से इसको एक और बार कट करेंगे। ये हमारी फ्लावर्स की रिंग तैयार हो गई। अब हम उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो अब हम इसको तैयार करते हैं। उसके सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम जो हमने पेस्ट बनाया था वो। फिर इसमें हमने जो ये रिंग बनाई थी वो लगा देंगे। इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसमें हम हमारी स्टफिंग भरेंगे जो हमने वेजिटेबल स्टफिंग बनाई थी। और ये तैयार है हमारा वेज फ्लावर्स। अब हम चेक कर लेंगे। तो ये हमने अब हमारे वेज फ्लावर्स तैयार कर लिए। अब हम इसको हमारे बाकी के कुकर में रखेंगे 10 मिनट्स के लिए।
जिसको हमने प्रीहीट कर लिया था। अब हम इसको मीडियम। तो हमारे वेज फ्लावर्स तैयार हो गए। ओ मरहम। लाइक माई रेसिपी, प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।